और सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 100 दिन आज पूरा हो चुका है और इस उपलक्ष्य में राहुल गांधी प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। उसका जो ज्ञान है उसका कोई मुकाबला ही नहीं, उसका जो प्यार है उसका कोई मुकाबला नहीं, तो ये सीखने को मिला है। न्यूज 18 राजस्थान से सचिन शर्मा। अच्छा सॉरी राहुल जी, कई रंग आपने देखे कन्याकुमारी से लेकर राजस्थान तक, और राजस्थान में गहलोत सरकार है या कांग्रेस सरकार है, लेकिन बाकी जगहों पर कांग्रेस का राज नहीं है, लेकिन कांग्रेस की कोख से जन्मे कई दल वहां पर क्षेत्रीय दलों के रूप में खड़े हो गए, जिन्होंने कांग्रेस को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम किया। चाहे हम जगन रेड्डी की पार्टी देख लें या पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की पार्टी देख लें, और जयराम रमेश जी ने कहा भी था कि सवाल कीजिए, सवाल कीजिए, सीधा सवाल, सीधा सवाल। तो क्या कांग्रेस अब इन सब पार्टियों की अगुवा बनेगी, और जो कांग्रेस विचारधारा से निकले हैं क्या उनको समाहित करने का? हर पार्टी का एवोल्यूशन होता है, ट्रांजिशन होता है। जो कांग्रेस पार्टी 10 साल पहले थी, जो हिंदुस्तान के हालात 10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, 30 साल पहले थे, 40 साल पहले थे, वो बदलते जाते हैं, पार्टी को अडेप्ट करना पड़ता है। अभी आप कांग्रेस पार्टी को अडेप्ट करते हुए देख रहे हो, कमियां रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी गलती नहीं की, गलती की है, बहुत गलतियां की है, मगर देश के जो हालात हैं उसके लिए आप कांग्रेस पार्टी अडेप्ट करें, और जो कांग्रेस पार्टी की जड़ है, जो उसका डीएनए है, अब कांग्रेस पार्टी उसके ओर जा रही है। और मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ पकड़ ली, जिस दिन जो कांग्रेस है वो कांग्रेस संगठन बन गया, उस दिन यहां पर कोई नहीं हरा सकता। तो ये कम्युनिकेशन है, जनता के साथ एक कम्युनिकेशन है, जनता को समझने का प्रयास है, और अपने आप को बदलने का प्रयास है। ठीक है, तो ये आप ट्रांजिशन देख रहे हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ये विचारधारा जो है कांग्रेस पार्टी की, ये 10-15 साल पुरानी नहीं है, ये 100 साल पुरानी भी नहीं है। ये जो लड़ाई चल रही है ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है, हजारों साल पुरानी। तो विचारधारा की लड़ाई पहले थी, आज है, कल भी रहेगी। कांग्रेस पार्टी को प्रिसाइसली ये समझना है कि कांग्रेस पार्टी है क्या, और वो एक सफर है। और हमारे लिए जो हो रहा है, मैं आपको बताऊं, ये जो बीजेपी आई है, जो आरएसएस आई है, सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया है इन्होंने, ये कांग्रेस पार्टी के ट्रांजिशन के बदलाव के लिए, ट्रांजिशन के लिए नई एक जो कांग्रेस पार्टी का रूप है उसके लिए बहुत अच्छा है, खराब नहीं। और जो हमारे सीरियस नेता हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको ये मालूम है, और वो दिख जाते हैं, वो डरते नहीं हैं, वो दिख जाते हैं। न्यूज 18 राजस्थान से सचिन शर्मा। माइक दीजिएगा जल्दी यार। माइक, मेरा सवाल ये है आपसे कि ओपीएस राजस्थान ने लागू किया, हिमाचल में भी ओपीएस की वजह से ही संभवतः आप लोग सत्ता में आए। कल आप रघुराजन सर से मिले हैं, उनसे आपकी बातचीत, ये आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट की कि बहुत बड़ा हिमाचल में आप ओपीएस के कारण आए, ये मतलब साइंटिफिक एनालिसिस किसी ने नहीं किया है, उसका ही बड़ा रोल रहा होगा। गहलोत साहब भी कई बार गए, उन्होंने ओपीएस की बात कही, लेकिन कई अर्थशास्त्री उसके विरोध में, उसके खिलाफ है। कल आपकी रघुराम राजन सर से लंबी बात हुई, क्या उनसे इस बारे में आपकी कोई बातचीत हुई, उनकी क्या राय है, और आप इस बारे में? नहीं, उनसे इस पिछले बारे में राय नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं? प्यार से भैया, नहीं उनसे बात नहीं हुई, मगर हमारी जो जनरल अप्रोच होती है, जो हमारी स्टेट लीडरशिप, नॉर्मली जो स्टेट लीडरशिप करना चाहती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम उनको देते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हर स्टेट को ये करना है, हम
सेंटर से एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस देते हैं कि हमें लगता है कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, बट जनरली हम स्टेट्स पे छोड़ देते हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग तरीके से अपना अपनी सरकार चलानी पड़ती है। इंडिया न्यूज राजस्थान से दिनेश डांगी। नमस्कार। कह रहे हैं कि ये मेरी यात्रा सियासी नहीं है, मैं आप वोट मार रहा हूं। क्या आपकी यात्रा सियासी नहीं है? मकसद तीन आपने बता रखे हैं। नहीं, ये मेरी यात्रा नहीं है भैया, कांग्रेस की, जन जन की हो जाएगी जो भी, मगर मेरी नहीं, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आप दिल से बोलते हैं, दिल का इस्तेमाल करते हैं, तो पब्लिक पूछ रही है आदमी क्यों घूम रहा है, इसको वोट नहीं चाहिए, राजनीति ये नहीं कर रहा, क्या